आज मेरठ की क्रांति भूमि, वीरों की धरती, किसानों की धरती, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि पे आयोजित चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी विराजमान हैं। हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे उत्तर प्रदेश में विकास को गति देने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के दल के नेतागण, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और सामने बैठे इस जनसमूह को मेरी राम राम। आपने देखा होगा कल एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति जी से मैंने भारत रत्न का वो चिन्ह स्वीकार किया और मैं सोच रहा था वह चिन्ह मेरे हाथों में गया, वो प्रतीक, वह सम्मान, लेकिन वह असली गाड़ी कमाई देश के किसानों की है, खमेरों की है, उस नौजवान की है जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भारत की सेनाओं में सेवा करता है, उस सामाजिक कार्यकर्ता की है जो देश में सबसे गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए मेहनत करता है, हर एक उस नौजवान की है जो एक सपना देखता है अपने समाज को, समाज के और परिवार के लिए बेहतर रास्ते खोलने के, उसके लिए संघर्ष करता है। आपको और हमें आज देश जिस पड़ाव पे है सोचना होगा और खास तौर से मेरठ वासियों को, कोई तो कारण होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न के उस कार्यक्रम के बाद पहला पड़ाव था तो उस पहला पड़ाव उन्होंने मेरठ की धरती को चुना कि मेरठ के लोगों के पास मैं जाऊं और देश के लिए अपना संदेश दूं। मैं आपको जानकारी भी देना चाहता हूं, कल जब वो समारोह समाप्त हुआ तो अल्प समय व्यक्तिगत मेरी भेंट प्रधानमंत्री जी से हुई और उस कम समय में भी किसानों के प्रति उनकी चिंताएं उन्होंने जाहिर की। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को वो मानते हैं और मैं समझता हूं कि इसलिए भी हमें खुश होना चाहिए कि ये मेरठ चौधरी साहब की कर्मभूमि है। हम और आप इस बात को जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो भारत रत्न का सम्मान धरती पुत्र चौधरी साहब को मिलने वाला नहीं था। ये निर्णय, ये साहसी फैसला, ऐतिहासिक निर्णय आपके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इसलिए भी लिया, वो भी जानते हैं चौधरी साहब का कितना बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में रहा। वो ये भी जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी गुजरात को अपने आध्यात्मिक और राजनीतिक जीवन शैली की पीठ मानते थे। जो भी समाज सुधार का काम चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे करना, वह उन्होंने दयानंद सरस्वती जी से सीखा और उससे उनसे प्रेरणा ली। हीरो वर्शिप एक मॉडर्न टर्म है। यहां भी मैं बैठा बैठा देख रहा था प्रधानमंत्री जी का नाम, सारे लोग बार बार, एक गूंज उठ रही थी उनका नाम, बार बार नौजवान ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, फिर सुनाओ, ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे। ये भी एक गहरे विश्वास का प्रतीक है, इसे हीरो वर्शिप भी कह सकते। इस हीरो वर्शिप से चौधरी चरण सिंह जी भी अछूते नहीं थे। एक ऐसे नेता थे जिनको चौधरी चरण सिंह जी अगर आदर्श मानते थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और इसलिए इस नाते को प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह भली भांति समझते हैं और उनकी मंशा है। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को जाहिर किया के चौधरी चरण सिंह जी की वास्तव में जो विचारधारा, जो वास्तव में उनकी विरासत, जिसको आप सब लोग संभाल रहे हो, उसे और आगे बढ़ाना है। चौधरी चरण सिंह जी दो तीन विषयों को लेकर बेहद गंभीर होते थे, बहुत कम समय में मैं उल्लेख करना चाहूंगा। नंबर वन क्या था? करप्शन, भ्रष्टाचार। जिस तरह तालाब में अगर एक कमल का फूल कहीं खिलता है, दूर से दिखाई देता है, दूर से उसका सौंदर्य एक कमल के फूल का दिखाई देगा कि नहीं देगा आपको? एक तालाब में एक फूल अगर खिल रहा हो, चौधरी साहब यही मानते थे कि जो नेता होता है, जो बड़े पद पे बैठा है, बड़े पदभार को संभाल रहा है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है। अधिकारी भ्रष्ट हो सकते हैं, कर्मचारी भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा तो कोई उपाय नहीं। एक किस्सा मैं चौधरी साहब का बताना चाहता हूं। हमीरपुर जिले का 13 मार्च 1962 की तारीख, चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे, वहां सर्किट हाउस पे रुके हुए थे। रेडियो का कार्यक्रम चल रहा था, चौधरी साहब ने सुना कि उन्हें पद से हटा दिया गया है, उनसे मंत्रालय ले लिया गया है। गाड़ी सरकारी उनके लिए खड़ी थी, लखनऊ उनको लौटना था। उन्होंने ड्राइवर को कहा, मैं सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, इस गाड़ी को वापिस आप ले जाइए लखनऊ। ऐसी ईमानदारी चौधरी साहब की थी। और आज हम देखते हैं, गंभीर आरोप के बाद भी, जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी, सत्ता के सुख को लोग भोगना चाहते हैं। तो चौधरी साहब की उस ईमानदारी को याद करते हुए और उसमें जो कड़ियां जुड़ी हैं, हमने देखा है 10 वर्ष में क्या कड़ियां जुड़ी हैं। जो राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपए का सरकारी योजना का पैसा धरातल पे कितना पहुंचता है, 15 पैसे पहुंचता है। आज हम देखते हैं केंद्र सरकार कोई निर्णय लेती है, कोई प्राथमिकता बनाती है, कोई योजना बनाती है, कोई निवेश करती है, तो सीधा लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, यही तो चौधरी चरण सिंह जी की ईमानदारी का प्रतीक है, यही उनके ईमानदारी और नैतिकता का बढ़िया उदाहरण जो सरकार करके दिखा रही है। और फिर चौधरी साहब जातीय भेद के खिलाफ थे, लिंग भेद के खिलाफ थे, और वे चाहते थे किसान, क्योंकि उस समय के देश में गांव और किसान देश की जड़ों में था। मुख्य धारा में अगर किसान नहीं खड़ा होता, गांव का विकास नहीं होता, तो देश आगे नहीं जा सकता। उसी उद्देश्य के साथ एनडीए को ताकत देने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि मेरठ अपनी बड़ी भूमिका को अदा करेगा। 2014 में भी प्रधानमंत्री जी ने चुनावी अभियान की शुरुआत मेरठ की धरती से की थी, और आज हम सब लोग मिलकर बहुत उम्मीद के साथ आए। मेरठ अकेला जिला ही नहीं, कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है। लोकदल वाले लोग जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी आपसे चंदा लेते थे, मेरठ के लोगों से, और ओडिशा तक चुनाव लड़ते। तो जहां मेरठ तय करेगा, तो जो नारा दिया है उत्तर प्रदेश की 80 सीट और देश के अगले चुनाव में 400 पार का नारा पूरा हो जाएगा। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि वो नेता जो भविष्य को समझते हैं कि भविष्य में क्या होगा, और समाज और देश को उसके लिए तैयार करते हैं चुनौतियों के लिए, उनकी बातें हमेशा इतिहास में पन्नों पे दर्ज हो जाती हैं। आने वाले समय में जब अवलोकन होगा इस दौर का, जो तीसरा बड़ा मैंडेट देश की जनता मोदी जी को और एनडीए को देने वाली है, तो कहा जाएगा, क्या जानो अपने दौर से कितना हूं मैं, समय समय की भीति पर
तत्काल का एक पत्थर सा जड़ा हूं मैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय मजदूर।